मरम छात्र छात्री तुम लोग प्रीति और सम्भाषण जाना आज समाज विज्ञान छम्बर पाठर प्रश्नोत्तर समूह आलोचना उलियां तुम लोग भलधरण चाय जबा और जेनेरणे प्रश्न उत्तर समूह मैं कै गो सीधरणे लिख चेस्ा और तार पद देखा प्रथम प्रश्न तो आसोल महाजनपदर भर कौन आटको शक्तिशाली उत्तर तो हम षोल महाजनपदर भर मगध आटको शक्तिशाली दु नम्बर बाशवदत्ता कौन आसिल कोने बिया कराइसिल बाशवदत्ता आसिल अवंतीर शक्तिशाली रजा चंद्रप्रद्युत महासेनार जियेक आरु तेओ बत्सर रजा उदयने बिया कराइसिल गतो खुदिसे महाभारतत उल्लेख थका वंश दुटा कि महाभारतत उल्लेख थका वंश दुटा हल कुरु आरु भरत घटो खुदिसे महाजनपदर अर्थनैतिक भेटि कि आसिल महाजनपदर अर्थनैतिक भेटि आसिल कृषि आरु पशुपालन उंगटो हल कि कारणत महाजनपद समूहत कलाकुशली लोके नतुन नतुन वृत्ति ग्रहण करिसिल उत्तरटो हब कृषि आरु पशुपालनर जुगेदि अर्थनीति सबल हर फलत जनसाधारणे लाभ बिलाभ करिबलै धरिसिल तार फलत हाज बसन कपूर कानी आ अलंकार आदिर व्यवहार बेसि होइसिल आरो तेतिया तेने परिस्थितित पशुपालन बा कृषि कर्म एरि अनेक कलाकुशली लोके नतुन नतुन वृत्ति ग्रहण करिसिल प्रथम छतु खुदिसे महाजनपदत खेतियक आरु पशुपालकर उपरि कि वृत्ति लोक आसिल पाँचटार नाम उल्लेख करा उत्तरटो हब महाजनपदत खेतियक आरु पशुपालकर उपरिओ विभिन्न वृत्तिर लोक आसिल सेकेटा हल बाढ़ई कमार कुमारो लिखिबा सोनारी चित्रकर इत्यादि द्वितीय छतु खुदिसे बाली आरु भाग कि महाजनपदत प्रजासकले दुबित कर दिब लागिसिल बाली आरु भाग खेती करा माटिर ऊपरत दिबलगिया कर आसिल बाली आरु उत्पन्न बस्तुर ऊपरत दिबलगिया करे होल भाग बर्गीय जतु खुदिसे बेहा बेपारर विनिमय प्रथा काक बोले उत्तरटो हब एबिध बस्तुर सलनी आन एबिध बस्तु दिया लोवार प्रथाटोके विनिमय प्रथा बुलि कोआ हय झटो खुदिसे लोर सजुलीबूरे महाजनपदर अर्थनीतिक केनेधरणे सहाय करिसिल उत्तरटो हब लोर सहायरे दा कुठार कोर नांगलर फाल आदि सजुली तैयार करि तेनलोके कृषिर उत्पादन बृद्धि करिसिल आरु इयार फलत महाजनपद समूहत अर्थनीति जथेष्ट उन्नत होइसिल नियतो हल कौनजन रजाय प्रथमे स्थायी सैन्यबाहिनी रखार नियम करिसिल उत्तरटो हब मगध महाजनपद रजा बिम्बिसारे स्थायी सैन्यबाहिनी रखार पद्धतिटो ग्रहण करिसिल मूर्धन्यतटो खुदिसे कौनजन रजाय पोन प्रथमबारर बाबे सेनापति नियोग करिसिल रजा प्रसेनजिते पोन प्रथमबारर बाबे सेनापति नियोग करिसिल मूर्धन्यथ मगधर कौनजन रजार शासनकाल आलेक्जेंडारे भारत आक्रमण करिसिल उत्तरटो हब मगधर रजा धनानंदर समयते ग्रीसर रजा आलेक्जेंडारे भारत आक्रमण करिसिल मूर्धन्यदत्त खुदिसे जनपद समूह स्थापित हर पाछत समाजत कोनकेटा बर्णर सृष्टि होइसिल महाजनपदर शिक्षानुष्ठान समूहत धर्मियों विषयर उपरिओ कला संस्कृति राजनीति अर्थनीति स्थापत्य भास्कर्य आदि विभिन्न विषयर अध्ययन करा होइसिल दन्त्यत लिपिर व्यवहारे महाजनपद समूहर शासन व्यवस्थात केनेधरणे सहाय करिसिल
মহাজন পদসমূহৰ প্ৰয়োজনীয় হিচাপ নিকাশ ৰাখিবলৈ লিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু দূৰ দূৰণিলৈ খবৰ পঠিয়াবলৈও ৰজাসকলে লিপিৰ সহায় লৈছিল। এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই কৈ দিলোঁ, তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা। আৰু ইয়াৰ পিছত থকা 16খন মহাজন পদৰ নাম লিখা এইটো কিতাপত আছে, লিখি ল'বা। সংজ্ঞাকেইটাও লিখি ল'বা, তোমালোকৰ কিতাপত সুন্দৰকৈ লিখা আছে। 4টা বৰ্ণৰ জৰিয়তে কামৰ বিভাজন কেনেদৰে কৰা হৈছিল এইকেইটা, সেই প্ৰশ্নটো যদি লিখিব পাৰা লিখিবা, নহ'লে মই পিছত তোমালোকক চাই দিম। আৰু খালী ঠাই পূৰণ কৰাকেইটা লিখিবা। পিছৰ প্ৰশ্নকেইটা, 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা আমি ইয়াৰ পাছৰ কালাংশত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ তোমালোকৰ সময় হৈ আহিল, ইমানতে পাঠৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।